तो बता दूं, चार की चार विधानसभा सीट वेस्ट बंगाल में बीजेपी हार चुकी है। चार की चार विधानसभा सीट बीजेपी में हार चुकी है, जीत गई कांग्रेस 628 वोटों से। बिल्कुल जीत जाएगी, जीत भी सकती है, देखो, क्योंकि यहां पर चुनाव आयोग का आंकड़ा है, यहां से जो निकल के आता है भैया वही चीज हम दिखाते हैं, वही बड़ी बड़ी मीडिया हाउस दिखाता है इसको। सही बात तो यही है, बड़ी बड़ी मीडिया हाउस यहीं से लेकर आंकड़े दिखाते हैं। बीएसपी 18,664 वोट प्राप्त कर पाई है, 11,905 वोटों से बीच बीएसपी पीछे है। देख सकते हैं अभी यहां पर 9 राउंड की ही वोटिंग गिनती हुई है। तो वहीं पर रुपौली में मैं एक बार फिर देखता हूं, 12 राउंड में 8 राउंड की गिनती हो चुकी है। रुपौली में शंकर सिंह 8 राउंड में 1763 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो यहां पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, इन सब को झटका देते हुए शंकर सिंह ने अपनी बढ़त को बना ली है। और आप लोगों की जो राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। ओम यादव जी, यूपी में चुनाव अक्टूबर में होगा, इससे पहले होने की उम्मीद थोड़ा कम दिखाई देती है, क्योंकि जब अलाउंस होगा, उस जब अलाउंस होता है उसकी प्रक्रिया 1.5-2 महीने लग जाती है उसकी प्रक्रिया को भी करने में, तो अभी अलाउंस नहीं हुआ है। और शंकर सिंह यहां पर लीड पर हैं दोस्तों, और देहरा की सीट हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जीत चुकी है 9,399 वोटों से, बीजेपी यहां पर हार चुकी है। वहीं पर हमीरपुर की सीट की बात करें, इसको बीजेपी ने जीत लिया, कांग्रेस से चूक हो गई, केवल 1571 वोटों से बीजेपी ने चुनाव जीता है। नालागढ़ की सीट की बात करें तो नालागढ़ की सीट पर 9 राउंड में 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कांग्रेस यहां पर हरदीप सिंह भाभा कांग्रेस के 6,870 वोटों से आगे चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अमरवाड़ा सीट कांग्रेस यहां पर 4,010 वोटों से आगे चल रही है, अमरवाड़ा सीट पर कांग्रेस। वहीं पर आम आदमी पार्टी पंजाब की जलंधर सीट को 37,325 वोटों से जीत चुकी है। जलंधर में कांग्रेस 3 नंबर पे रही और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर पे रही। 37,325 वोटों से यहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जीत लिया है। वहीं पर अगर हम बात करें विक्रवंडी, यह सीट है, यहां पर 35,000 वोटों से डीएमके आगे चल रही है, डीएमके 35,000 वोटों से आगे चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कितनी भारी, कितनी भारी लीड ले चुकी है इंडिया गठबंधन। वहीं पर अगर हम बात करें 3,407 वोटों से उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर 15 राउंड की वोटिंग में 15 राउंड की काउंटिंग में 11 राउंड में कांग्रेस यहां पर 3,407 वोटों से आगे चल रही है ना, 3,407 वोटों से आगे चल रही है। बद्रीनाथ में 3,407, सबसे रोचक मुकाबला मंगलौर में है, मंगलौर में 93 वोटों से कांग्रेस आगे है, लेकिन अब देखने को मिलेगा कि 93 वोटों से या 150 वोटों से कांग्रेस जीत पाती है कि नहीं जीत पाती है। कुल मिलाकर के यहां पर 50-50 पर गेम अटका हुआ है, अभी देख लीजिएगा, इसका रिजल्ट देखना बहुत ही रोचक होगा और दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हैं। मानिकलता सीट है, 20 राउंड की काउंटिंग होनी थी पश्चिम बंगाल में, 10 राउंड में यहां पर 31,441 वोटों से कांग्रेस आगे है, सॉरी तृणमूल कांग्रेस आगे है। तो हम दिखाते हैं आपको, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट जरूर करिए, लाइक करिए, चैनल पर ज्वाइन करिएगा। मंगलौर में कितने राउंड, रुक जाइए, बता रहे हैं पहले।